हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, इवनिंग से। कल थोड़ा सा स्टार्ट किया कुकिंग का, तो इसी में मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। और आगे मेरा शो ना, हाय बोलो सबको एक बार। हाय। तो नीरव कभी भी कैप नहीं पहनता है, बट अभी चलो उसे मैंने कैसे भी कॉकरोच का डर दे के पहना दिया। सो अभी थोड़ी सी मेरी हेल्थ सही नहीं लग रही है, मतलब सही है बट थोड़ा मेरे को शाम से जो है पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब आज दर्द हुआ, इतना दर्द कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अभी कैसे भी उठ के आई हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि कल मैं अपलोड कर सकूँ, कुछ भी मेरे पास वीडियो हो सके, क्योंकि मैंने कल भी स्टार्ट किया और पूरा नहीं कर पाई वीडियो। तो ऐसा हो जा रहा है भी आजकल। तो आज शाम में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे ही मैं सोकर उठी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में। बट फिर मतलब इतना मतलब दर्द हो रहा था कि मैं फ़ोन का आवाज़ जब आने लगा तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फ़ोन बजने लगा, किसी का फ़ोन आ गया था उसी टाइम पर दो बार। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा हॉरिबल पेन था वो। बट वो डिलीवरी वाला पेन नहीं था जो डिलीवरी होने के टाइम पर होता है, तो वो पेन मैं समझती हूँ किस तरीके का होता है। बट ये जो पेन था वो गैस वाला था। कभी कभी हो जाता है प्रेगनेंसी में कि आपको गैस की वजह से पेन शुरू हो जाता है। नीरव के टाइम में भी एक दो बार हुआ था, बट आज थोड़ा ज़्यादा ही मुझे पेन हो रहा था। और बेबी का जो मूवमेंट है, जो किक करता है बेबी, बहुत ज़्यादा हार्ड है इस बार के बेबी में। बहुत ज़्यादा मूवमेंट फास्ट है और बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं चिल्लाने लग जाती जैसी बेबी किक करता है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इस बार का बेबी किकिंग जो है बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। तो आज मेरा दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डर गए, वो भी थोड़ा मुझे ऐसे रिलैक्स कर रहे थे, कह रहे डॉक्टर पास चलना है। तो मैं इतना इजीली डॉक्टर पास जल्दी जाती नहीं हूँ, कभी भी पेट में दर्द होता है या ना ही कोई मैं टेबलेट्स लेती हूँ। मैं थोड़ा मतलब बर्दाश्त कर लेती हूँ कितना भी दर्द हो। बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो ठीक है मैं ले लेती हूँ कोई ऐसा दवाई, वो भी बहुत सोच समझ के। लेकिन आज जो हुआ था वो गैस वाला ही दर्द था। धीरे धीरे वो ठीक हो गया, कभी बढ़ रहा है फिर कभी ठीक हो रहा है, फिर कभी बढ़ जा रहा है फिर थोड़ा कम हो रहा है, और अभी भी थोड़ा रुक रुक के हो रहा है, बट अभी काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में है, यानी आई थिंक आ चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड वही कुकिंग कर रहे हैं, क्या सब्जी बना रहे हैं मुझे नहीं पता। तो रोटी उनको बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो रोटी तो जा रही मैं ही बनाऊंगी। अभी काफ़ी अच्छा फील कर रही तो मैं जा रही रोटी बनाने। और नीरव जो है, देखो नीरव क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? नीरव का एक रूटीन है, दिन भर पानी नहीं पिएगा, शाम होते ही पानी पीना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आने वाले बेबी के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि न्यू बेबी के लिए थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है, मतलब आने वाले बेबी के लिए। तो तैयारी मतलब कोई ऐसा खास नहीं हो रहा है अभी, मतलब शॉपिंग वगैरह हुआ नहीं है, तो शॉपिंग करने भी जाऊंगी थोड़े से और टाइम के बाद। तो तैयारी ये कर रही हूँ कि घर का जो है थोड़ा बहुत डीपली क्लीनिंग करना है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है और एवरीडे क्लीनिंग भी चल रहा है। तो बाकी मेरी मदर इन लॉ देखो लास्ट में आएंगी, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देगी। और डीपली क्लीनिंग मतलब बेबी जब आपके घर में आने वाला है डिलीवरी होने से पहले, बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना। जैसे कि अलमीरा अगर आपके घर में है उसको अच्छे से क्लीन कर लो, और जहाँ जहाँ जैसे कोई ऊंची चीज़ें हैं जहाँ मतलब आपने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया, डस्टिंग नहीं किया है, खड़े हो जा, उसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। चाहे जैसे कि फ़ैन हो गया, इन सब चीज़ों को जो चीज़ें आपने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया उन सबको, वार्डरोब को अरेंज कर लो, ये सारी चीज़ें। और मैं क्या कर रही हूँ, नीरव की जो कुछ ब्लैंकेट्स थे, नीरव के टाइम के जो ब्लैंकेट्स थे जो होते हैं, और एक होते हैं जो जिसमें बेबी को लिया जाता है जिसमें कैप भी लगा होता है, कुछ वैसी ब्लैंकेट टाइप का ही होता है, वो सब मैं मतलब अभी देख रही हूँ, निकाल रही हूँ, उसको क्लीन कर रही हूँ। कुछ और बहुत सारे कपड़े और जो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है छोटे वाले, वो सब मतलब बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम पे आपके पास होना चाहिए। हॉस्पिटल में इन सब की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है जब आपको बेबी होता है, तो
ताकि मतलब वहाँ का जो मैट्रेस है वो ख़राब ना हो सके, तो एक आपको वैसा चाहिए होता है, क्योंकि बेबी होते ही तो आप मतलब डायपर नहीं पहना दोगे बेबी को और ये सारी चीज़ें। और जब भी बेबी को आप मतलब डिलीवरी के लिए जा रहे हो, तो अगर आप नया कपड़ा ले जा रहे हो, पहली बार अगर आपको बेबी हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर न्यू कपड़ा ले जा रहे हो तो उसको अच्छे से वॉश कर लो आप। वॉश करने के बाद ही आप उसको ले जाओ, सारा दिन ब्रश करता रहता है बहुत ज़्यादा ब्रश। तो जो भी कपड़े आप बेबी को पहनाओगे फर्स्ट टाइम जब बेबी आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, उसको मतलब वॉश किया हुआ कपड़ा ही पहनाइए। या तो अगर आपका कोई पुराना कपड़ा है पहले बेबी का या किसी मतलब किसी का, तो वो आप पहनाएं, बट डायरेक्ट मार्केट से ख़रीदा हुआ कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाएं, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नीरव के टाइम पर मैंने ये गलती की थी, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप वो गलती ना करो। कोई भी आप पुराना कपड़ा या नया कपड़ा खरीद रहे हो, उसको वॉश करके तब ही आप पहनाना, क्योंकि बच्चे को पूरा गाल में, चिक पे, यहाँ हर जगह रैशेज हो जाएंगे। तो नीरव के स्किन वैसे भी सेंसिटिव है, तो नीरव का इतना ज़्यादा हो गया था, पूरा फेस पे रैशेज, बॉडी पे भी रैशेज, और वो 15 डेज तक ना वैसे ही थे, 15 डेज से भी ज़्यादा तक। तो मैं इस चीज़ को झेली हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें और कुछ एसेंशियल जो होती है वो होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप ज़रूर ले जाए हॉस्पिटल में। और बाकी कोई आपके साथ बड़ा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको हिम्मत दे। मेरी जब डिलीवरी हो रही थी तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मतलब मेरा था, अचानक से प्लान बन गया था और उन्होंने, डॉक्टर ने सबको घर भेज दिया था, तो मुझे ये पता भी नहीं था कि हो जाएगा उसी रात में प्रोसेस स्टार्ट। बट फिर भी मैंने अपने आप को ही हिम्मत देती थी पूरे थ्रू आउट मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मैंने खुद को ही हिम्मत दिया और मैं खुद को हिम्मत देती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। ये चीज़ आपको ठान लेना है, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो, मतलब हो सकता है आपका। ये सारी चीज़ें और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र भी आप अपने बैग में ज़रूर रख लेना, मैट्रेस प्रोटेक्टर, ब्लैंकेट, सारी चीज़ें अच्छे से वॉश होना चाहिए, नया कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आप हॉस्पिटल में जाते हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आपको अच्छे से मैं बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में। सो या और चलते हैं, क्या है कुकिंग बोल रही थी, वीजा जल्दी से लेने के लिए आओ, और मैं बैग पैक कर रही हूँ। ओके गाइस, तो मेरे हस्बैंड जो है अपने लिए चावल का रोटी बना रहे हैं हॉट वाटर में, उसको दो बनाकर, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरे पेट में अभी भी थोड़ा दर्द हो ही रहा है, काफ़ी मतलब हो ही रहा है, थोड़ा फिर बढ़ गया है। नहीं था, ज़्यादा हो गया बाबू पानी, नहीं 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 ज़्यादा है बाबू थोड़ा। देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं यार, क्यों इतने अच्छे हो, इतना अच्छा हस्बैंड भी ना, जब मिलता है तो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है। खिचड़ी भी मेरे लिए चढ़ा रहे हैं मेरे हस्बैंड, मूंग दाल और चावल की, बस मैं खिचड़ी खाऊंगी बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं। हालांकि मेरे हस्बैंड ने सब्जी भी बनाया है, सब्जी दिखा देती हूँ, सब्जी बनाया है, ब्रोकली, कैरेट्स, आलू, सारा कुछ का, और दाल भी है, मिक्स दाल, दोपहर वाला, लंच वाला अभी भी है बहुत सारा। तो ये है मस्टर्ड ऑयल में करना यार बाबू, मस्टर्ड ऑयल बहुत टेस्ट आता है यार। तुम हर बार ये भूल जाते हो। लो इसमें क्या डालना है? किसमें? खिचड़ी में। खिचड़ी में सिर्फ और सिर्फ नमक, हल्दी, दैट्स इट, नथिंग एल्स प्लीज बाबू। सो बस आज के व्लॉग में कोई बहुत खास नहीं था, यही है, यही अपडेट है। मेरा अभी भी थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, बट ठीक है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये गैस का ही दर्द है। लास्ट टाइम नीरव के टाइम पे मुझे 2-3 बार यहाँ पर मतलब ब्रेस्ट के नीचे भी पेन शुरू हो गया था, हालांकि फिर वो अपने आप ही ठीक हो गया, सांस तक नहीं ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन वो फिर अपने आप ही ठीक हो गया है। तो ये भी देखो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कुछ भी दवाई नहीं ले सकते हो प्रेगनेंसी में, बहुत सोच समझ कर डॉक्टर भी दवाई देते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं ले सकती हूँ ऐसे कोई भी दवाई, क्योंकि डायरेक्ट वो बेबी पर ही असर होता है, तो इस वजह से। और बस क्या